A big hello to everyone and hi to my dear students. Welcome all of you in the digital dedicated YouTube channel. Mera pyar bhara namaskar evam sabhi ko digital dedicated YouTube channel mein swagat hai. Dear friends, dear students, my mission is to impart quality education at anywhere, anytime by conducting virtual classroom program. My mission is to impart quality education to all those students aspiring to build career in the field of engineering, medical and other science and technological field. Dear friends, we have the team to teach and guide the students in the field of commerce and arts too. We have an inter college named Manadevi dedicated inter college where all the three faculties are available. This college has proven track record of making toppers, giving toppers every year in the science, commerce and arts. So any students who has written the 10th board examinations or has to write the 10th board examinations or they have passed the 10th board examination, wants to build career in the field of science, then there is one good choice, that is Manadevi dedicated inter college, where all the needs of the students can be met. Dear friends, dear students, on the repeated demands of the students, those who are going to write the 12th board examinations, they have repeatedly asking to make the video on some important topics that is supposed to be tough and that is important for their examination and the competition examinations. On their demands, I am making video on the topic named compound microscope. Compound microscope. This year, this topic is very, very hot and very, very important. Here, we are going to understand the compound microscope through animation. So, thoda sa hum log dekhte hain ki aapke saath Dedicated Society for Education and Science, जो कि मानादेवी डेडिकेटेड इंटर कॉलेज भी रन करा रही है एंड साथ में डेडिकेटेड एकेडमी भी, जो एक सेंटर है, कॉम्पिटिटिव सेंटर है. एंड फिलहाल आप लोग को वर्चुअल क्लासरूम देने के लिए हम लोगों ने डिजिटल डेडिकेटेड चैनल का शुरुआत किया हुआ है. तो सारे का गार्जियन डेडिकेटेड सोसाइटी है और ये सोसाइटी आप लोग को हर जगह पर, हर जगह जहाँ जहाँ प्रॉब्लम होंगे वहाँ वहाँ पर सपोर्ट करेंगे. आप लोग इस चैनल पर आने से पहले थोड़ी सी एक जहमत उठाएंगे, थोड़ी सी एक कष्ट करेंगे और एक रिक्वेस्ट भी आप लोग सबसे है कि ये वीडियो को आगे फॉरवर्ड करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करके और शेयर कर देना है. ये मेरी एक रिक्वेस्ट भी आपसे, क्योंकि जो मैं एक एफर्ट डाल रहा हूँ वो एफर्ट यहाँ के स्टूडेंट्स को मिले और मैक्सिमम स्टूडेंट जो दूर दराज में हैं वो भी इसका फ़ायदा उठा लें, क्योंकि हम ये सीरीज़ में वीडियो डालने जा रहे हैं. जितने भी इम्पॉर्टेंट एंड टफ टॉपिक होंगे वो सारे पे हम वीडियो बनाएंगे एंड हम वीडियो डालते जाएंगे ताकि क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट उनको मिलता चला जाए, एग्ज़ाम में कितना लिखना है ये उनको पता चलता चला जाए. इसके लिए हम एक वीडियो बनाते जा रहे हैं. आज पहला हम लोग सेमीकंडक्टर पे दिए हुए थे, दूसरा वीडियो हम लोगों ने आपको पिछली क्लास में दिया और इंटरफेरेंस पे दिए थे. अभी हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट इंटरफेरेंस के लिए बनाए हुए थे. तीसरा हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पे बना रहे हैं. आगे का वीडियो जो हम लोग देखेंगे हो सकता है ट्रांसफार्मर या डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पर हम आपको बनाएंगे. ये डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स हमें कमेंट लिख करके कैसे बता रहे हैं कि सर ये चैप्टर मेरे लिए थोड़ा सा टफ हो रहा है, आप इस पर वीडियो बना दीजिए और क्रिस्टल क्लियर नोट हमको दे दीजिए, तो मैं आप लोग के लिए ज़रूर ये वीडियो बना करके यहाँ पर चैनल पर डाल दूँगा. सो दैट यू पीपल कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट एंड ये अपने भी बेनिफिट लें और साथ में दूसरों को भी
बेनिफिट, दूसरे फ्रेंड्स को भी बेनिफिट दें, सो दैट कि माई पलामो कैन डेवलप ए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन द फील्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। तो हमारे पास यहाँ पर आज का चैप्टर जो पढ़ाई करने वाले हैं वो चैप्टर का नाम है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो कंपाउंड हम लोग क्यों कहते हैं कि जहाँ भी कंपाउंड हो जाता है तो टू और मोर देन टू थिंग्स मिलकर के कोई भी चीज़ बनता है तो उसको कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल में क्या होता है तो सिंपल में एक लेंस हो जाते हैं, उसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे ओल्ड एज में रीडिंग ग्लास होता है ना, पॉजिटिव ग्लास, उसको सिंपल माइक्रोस्कोप कह देते हैं। जब हम नेकेड आई से नहीं पढ़ पाते हैं तो एक हम लोग पॉजिटिव लेंस लगा देते हैं, कन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, और कन्वेक्स लेंस के फोकस के अंदर में ही कोई ऑब्जेक्ट का रखते हैं तो उसका इमेज उसी साइड में बड़ा करके बनता है। तो छोटा चीज़ को नहीं देख पाते तो हम लोग बड़ा करके देख देते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द सिंपल माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग टू और मोर देन टू कन्वेक्स लेंस लेंगे जिसमें स्टेज में मैग्नीफिकेशन होगा। एक लेंस होगा तो वो भी मैग्नीफाई करेगा, दूसरा लेंस पे जाएगा तो वो भी मैग्नीफाई करेगा, तीसरा लेंस लेंगे तो वो भी मैग्नीफाई करेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर दो लेंस वाला का पढ़ाई करना है। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि आपको एनिमेशन के थ्रू में अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास देखिए टोटलिटी में ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप दिख रहा होगा। इसमें सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये देखिए इसको ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसमें कई अनगो नोड्स लगे हुए हैं और ये अलग अलग मैग्नीफिकेशन होता है। ऊपर वाला आईपीस है और ये हमारे पास टोटल आपका पीस लगा, इधर आईपीस रहता है और इधर ऑब्जेक्टिव रहता है। ये ऑब्जेक्टिव में दो तीन लेंस रहते हैं अलग अलग मैग्नीफिकेशन का, जैसा मैग्नीफिकेशन की हमें ज़रूरत पड़ती है वैसा हम लोग यहाँ पर सेट कर लेते हैं। तो ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब को रैक एंड पिनियन स्क्रू के थ्रू हम लोग आगे पीछे लेंस के बीच की दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्ट पास लेंस होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस, एंड जो आई के पास लेंस होता है उसको आईपीस लेंस हम लोग कहते हैं। और ये जानते हैं दोनों का फोकल लेंथ बहुत बड़ा नहीं छोटा ही होता है, लेकिन रिलेटिव अगर फोकल लेंस के बारे में बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंस रिलेटिवली छोटा होता है, इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि पावर उसका बड़ा होता है। और ये इसका जो फोकल लेंथ जो होते हैं ऑब्जेक्टिव और आईपीस का, दोनों देखिएगा यहाँ से ये ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंस छोटा है और इसका बड़ा है, दोनों का फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही होते हैं। दोनों का फोकल लेंथ किस में होते हैं, सेंटीमीटर में ही होते हैं। तो पावर अगर बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव का पावर ज़्यादा होता है मैग्नीफाइंग पावर, और आईपीस का मैग्नीफाइंग रिलेटिवली कम होता है, राइट। तो मैग्नीफिकेशन अगर हम टोटलिटी में देखेंगे तो दो मैग्नीफिकेशन होता है। अब यहाँ से देखिए कि लाइट रे हमारा इधर से आया हुआ था, ये रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर देख रहे हैं तो ये क्या है आपका रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर से लाइट रेस आएगा और आने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और इसके नीचे में हमारा एक आइरिस होता है, देखिएगा अभी हम लोग को दिख जाएगा, एक आयरिस होगा। और आयरिस जो होता है वो आपको बताएगा कि कितना लाइट हमको ऑब्जेक्ट पे डालना है, कितना लाइट हम लोग को ऑब्जेक्ट पे डालना है। ये सारे के सारे देखिए यहाँ से स्मॉल मिरर है, उधर से लाइट आया है, यहाँ पर एक डायफ्राम होगा जिसको हम लोग डायफ्राम से लाइट का इंटेंसिटी को गवर्न करते हैं। ये जो देख रहे हैं ना, ये जो डायफ्राम है आयरिस इसको हम लोग कहते हैं, और ये लाइट के इंटेंसिटी को गवर्न करता है। हम होल को नैरो और वाइड कर सकते हैं और इसी से लाइट का इंटेंसिटी, इसके ऊपर स्टेज पर, यहाँ पर स्टेज पर हम लोग ऑब्जेक्ट रखे हुए रहते हैं, इस ऑब्जेक्ट नीचे से लाइट दिया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो ये ग्लो करेगा, और ये ग्लो करेगा तो हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को देखते कैसे हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट गया, लाइट को रिफ्लेक्ट होकर के आया मेरे पास और आँख में एंटर किया तो हम लोग क्या कहते हैं, रेटना पर इमेज बनता है और इमेज देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास टोटल का टोटल डायग्राम कैसे बन रहे हैं। दिस इज द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट के पास जो लेंस होता है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, और ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर में हम लोग एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं, और जब फोकस के बाहर कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज दूसरे साइड में बनता है जो रियल बनता है, मैग्नीफाइड बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ऑब्जेक्ट फोकस के बाहर में जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को रख देंगे तो उसका इमेज दूसरे साइड में हमारे पास इन्वर्टेड बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा। तो यहाँ हम लोग ऑब्जेक्ट इतना बड़ा लिए, यहाँ पर हम लोग देखिए ऑब्जेक्ट का इमेज इतना बड़ा बन गया, पहला मैग्नीफिकेशन हो गया है और फोकस से बाहर बन गया। और देखिए रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज भाई फर्स्ट ऑब्जेक्टिव से बना। ये आपके पास 20 times 40 times ये अलग अलग टाइप का लेंस लगे हुए रहते हैं, जिसमें नीचे हम मुँह में दिखाए हुए थे कि तीन तरह के लेंस लगे, 1, 2, 3, 4, वो हम रोटेट करके देख लेते हैं कि हमें कितना छोटा ऑब्जेक्ट है और कितना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन चाहिए, तो ये हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। साथ में अगर हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो इमेज बना है इसको हम इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि आईपीस के फोकस के अंदर में चला जाए, आईपीस के फोकस में अंदर चला जाए। और ये जो दोनों लेंस होते हैं सिलेंड्रिकल ट्यूब में हम लोग रखे रहते हैं, और सिलेंड्रिकल ट्यूब की लंबाई, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, कैन बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट। स्क्रू के हेल्प से दो लेंस के बीच की दूरी को हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, और ये दोनों लेंस सिलेंड्रिकल ट्यूब में रखा रहता है। और जो लेंस आँख के पास होता है उसको आईपीस बोलते हैं, और जो लेंस ऑब्जेक्ट के पास होता है उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। दोनों का फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होता है, छोटा होता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे तो फोकल लेंथ रिलेटिवली किसका,
ऑब्जेक्टिव का छोटा होगा, पावर इसका ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिंग पावर इसका ज़्यादा होगा, मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा, और इसको हम लोग कह देंगे तो रिलेटिवली बड़ा फोकल लेंथ है तो पावर इसका कम होगा, तो मैग्नीफिकेशन ऑब्जेक्टिव में आपको ज़्यादा मिलेगा, और रिलेटिवली हम लोग यहाँ देखेंगे मैग्नीफिकेशन किस में, तो आई पीस में रिलेटिवली कम मिलेगा। तो टोटलिटी मैग्नीफिकेशन दो बार हो रहा है ऑब्जेक्टिव से आई पीस में, तो इन टोटलिटी मैग्नीफिकेशन इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्नीफिकेशन एंड इमेज आई पीस मैग्नीफिकेशन, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटलिटी मैग्नीफिकेशन हम लोग को मिल जाता है। ये देखिए यहाँ से हम लोग आगे देखेंगे, तो ये आपके पास रे गया, रे दिस इज कंस्ट्रक्टिंग लाइन होते हैं, कंस्ट्रक्टिंग लाइन अगर गया ऑप्टिकल सेंटर तो ये लाइन बेंड नहीं करता है, बेंड नहीं करेगा तो जैसे जाएगा ये सीधा सीधी पार कर जाएगा, और ये लाइन से बेस पर गया लेंस के बेस पर, और लेंस जो है प्रिज्म का एक भाग होता है, तो ये लेंस ऊपर की ओर बेंड कर जाएगा क्योंकि लेंस का बेस ऊपर की ओर चौड़ा है नीचे की ओर पतला है, राइट। तो ये ऊपर चला गया और ये हम लोग कहीं ना कहीं मिलाएंगे तो जा करके एक पॉइंट पर कट जाएगा जो कि हम लोग को इमेज दे देता है, दिस इज मैग्नीफाइड इमेज। ये देखिए मैग्नीफाइड इमेज हम लोग को बन गया। अगर इसको टोटलिटी में देखिए तो दिस इज द रे डायग्राम, वी हैव गॉट इट, दिस इज द रे डायग्राम। हाँ, ये हमारे पास लेंस हुआ। अब इसमें हम लोग कह देते हैं कि देखिएगा ये वाला आई पीस है, ये सिलेंड्रिकल ट्यूब है, ये ऑब्जेक्ट है, ये स्टेज है जिस पे ऑब्जेक्ट को हम लोग रखते हैं, यहाँ पर पीछे में नीचे में डायफ्राम रहता है जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को एडजस्ट कर लेता है, और यहाँ से रिफ्लेक्टर होता है, इधर से लाइट आया, ये लाइट हम लोग को ऑब्जेक्ट को ग्लो कराने के लिए काम होता है, और ये आपका फ्रेम है, ये फ्रेम आपको किसी भी एंगल पर आप घुमा फिरा करके एडजस्ट कर सकते हैं। दिस इज योर बेस, दिस इज द होल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यू नो, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को आप लोग इस तरह से देख लिए कि अंदर में लेंस कैसे फिट होते हैं और डायग्राम किस तरह से होते हैं। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक लेंस जिसका आईपीस आया हम लोग को, और दूसरा जो देखेंगे कि ये क्या कर देता है, मैग्नीफिकेशन की बात करेगा तो आईपीस का मैग्नीफिकेशन और ये किसका ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन, आईपीस का मैग्नीफिकेशन और ऑब्जेक्टिव का मैग्नीफिकेशन दोनों मिला करके हम लोग टोटल मैग्नीफिकेशन मिल जाते हैं ना। देख लीजिए यहाँ से ये मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द ऑब्जेक्टिव हमारे पास दिखा हुआ है ना, M0 एंड इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द आईपीस, पहला का मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेंगे, दूसरा का मैग्नीफाइंग पावर निकाल लेंगे और हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मैग्नीफिकेशन हम लोग को मिल जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये वाला में आपको कोई दिक्कत नहीं आया होगा। दिस इज योर, ये आप देख रहे हैं ना, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द फर्स्ट इमेज, एंड यहाँ पर आपके पास आईपीस है, आईपीस के ऊपर फाइनल इमेज बना इसी साइड में, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस है, ये लेंस जो है ये जो फर्स्ट का जो इमेज बना सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, और ये ऑब्जेक्ट का फाइनल इमेज हम लोग को यहाँ पर बना। तो इसकी तुलना में, फर्स्ट वाले की तुलना में, ऑब्जेक्ट की तुलना में देखेंगे तो दिस इज़ व्हाट इन्वर्टेड है, और ये इसके तुलना में देखेंगे तो हम लोग को सेम डायरेक्शन में बना हुआ है, इसी साइड में बना हुआ है, तो ये आपका इमेजिनरी एंड ये वाला रियल और इन्वर्टेड बना हुआ है। तो हम लोग यूँ कहेंगे ऑब्जेक्टिव जो है कैसा इमेज बनाता है, तो ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना देता है वो कैसा है, तो हम लोग सीधा सीधी कहेंगे रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। एंड आईपीस कैसा इमेज बनाता है, तो आईपीस को हम लोग कहेंगे कि इमेजिनरी, स्ट्रेट एंड मैग्नीफाइड, जैसा इमेज रहता है उसी डायरेक्शन में हम लोग इमेज बनता है और मैग्नीफाइड बड़ा होकर के बनता है। तो ये सारी कहानी हमारे पास आया। अब इसके आगे की अगर हम लोगों ने बात करेंगे कि बोर्ड में लिखना कैसे है भाई, तो बोर्ड में लिखने के लिए थोड़ी सी हम लोगों ने फटाफट देख लेते हैं, हाउ टू राइट इन द नोटबुक इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, दिस इज द लैंग्वेज यू हैव टू राइट इट, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट इच एंड एवरी सेंटेंसेस, इच एंड एवरी लाइन्स की हम लोग नोट कैसे लिखेंगे। इट इज़ एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू सी द वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट और टाइनी ऑब्जेक्ट, इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियली कन्वेक्स लेंसेज इन लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब, द लेंथ ऑफ द ट्यूब और द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज कैन बी चेंज्ड बाई द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, स्क्रू से थ्रू हम लोग लेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज कैन बी एडजस्टेड बाई द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, लेंस नियर द आई इज कॉल्ड आई पीस और समवट लार्जर देन दोज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, क्रॉस वायर देखिएगा, क्रॉस वायर आर माउंटेड एट द सर्टन डिस्टेंस बिफोर द आई पीस, हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, बाय द प्रॉपर अरेंजमेंट, बाय द प्रॉपर रैक इन ओपिनियन एडजस्टमेंट, रैक मतलब स्क्रू से फाइंड एडजस्टमेंट करके हम लोग इस तरह से आई पीस को और लेंस ऑब्जेक्टिव को एडजस्ट करते हैं कि हमारे पास जो क्रॉस वायर आईपीस के सामने में होता है सो, और ऑब्जेक्टिव का जो इमेज बनता है सो, दोनों के बीच में कोई पैरेलेक्स मतलब दोनों का इमेज में कोई गैप नहीं होना चाहिए, एकदम अगर बन गया तो उस कंडीशन में हम लोग इमेज जो है
क्लियर कट देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है बाय द प्रॉपर एडजस्टमेंट ऑफ द रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट आई पी सी इज फोकस्ड एट द क्रॉस वायर वेयर एज ऑब्जेक्टिव इज फोकस्ड एट द ऑब्जेक्ट सच दैट देयर इज नो पैरेलेक्स बिटवीन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द क्रॉस वायर इन दिस पोजिशन क्लियर इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी सीन। पैरेलेक्स के बारे में कहते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट है उसी पे कोई इमेज बन गया और इमेज एक के ऊपर एक टच पॉइंट टू पॉइंट कर रहा है और इस तरह से दोनों साथ अगर मूव करते हैं, अगर हाँ दाएँ बाएँ हेड को हिला के देखते हैं तो ऐसे दिखता है, तो हम कहते हैं कोई पैरेलेक्स एरर नहीं है। अगर ऐसे गैप हो गया, ऐसे गैप हो गया तो हम लोग कहते हैं देयर इज ए पैरेलेक्स ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्लियर कट इमेज कर देंगे। दिस इज द डायग्राम, रे डायग्राम यू हैव टू मेक, ये आपके पास रे डायग्राम बनाने के लिए कोई टेंशन ही नहीं है, 30 सेकंड में आप इसको रे डायग्राम को खींच सकते हैं। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्ट के फोकस के बाहर में हम लोग एक इमेज ए बी ले लिए हुए हैं, देख लीजिए एक इमेज हम लोगों ने क्या ले लिया है, ए बी ले लिए हैं, एंड आफ्टर दैट हमारे पास इसका इमेज जो बन गया ये देखिए आपके पास है ए डैश और बी डैश इमेज आपका बन गया है, और ये इमेज आईपीस के फोकस के अंदर में एडजस्ट इस तरह से कर लेते हैं, और ये एडजस्टमेंट हम लोग रैक एंड पिनियन एडजस्टमेंट से मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंस को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि जो इमेज ऑब्जेक्टिव के कारण बनेगा ये आईपीस के फोकस के अंदर में बनेगा। अब जब फोकस के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट रहता है तो उसका इमेज उसी डायरेक्शन में मैग्नीफाइड और वर्चुअल बनता है, ये सब हम लोग जानते हैं। तो जब यह यहाँ आ गया तो इसके बारे में हम लोग के पास क्या देखा कि जब लाइट रे दिस इज कंस्ट्रक्टिंग रे, कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाता है तो वो बेंड नहीं करता है, और जब ये लाइट रे यहाँ लेंस पर पड़ेगा तो लेंस के पड़ने के बाद हम लेंस को मान के चलते हैं क्या कि प्रिज्म का पार्ट है, जब प्रिज्म का पार्ट है तो लेंस जैसे ही यहाँ पर आएगा तो प्रिज्म का बेस ये वाला हो जाएगा, और ये देखिएगा आपके पास ऐसा प्रिज्म बनेगा, तो ये किधर की ओर बेस की ओर मुड़ेगा और ये पीछे बढ़ाइएगा तो हम लोग को यहाँ पर कट गया, मतलब ए डैश बी डैश का जो फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश हम लोग को बन गया। तो माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट हमने ये लिया, इमेज हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश बन गया, मतलब बड़ा सा मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड इमेज बना हुआ है। तो जब कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर देख रहे हैं तो इन्वर्टेड बने चाहे सीधा बने इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आपको कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, आदमी तो देख नहीं रहे हैं माइक्रोस्कोप से कि चेहरा उल्टा बन गया तो फिर टेंशन हो जाएगा। कोरोना वायरस को अगर देख रहे हैं तो कोरोना वायरस उल्टा है कि सीधा है, उसका स्पाइक तो सब तरह से सिमेट्रिकल ही होता है, इसीलिए यहाँ पर उल्टा सीधा का कोई टेंशन नहीं है। हाँ इन्वर्टेड भी बन गया तब भी, अगर ये इन्वर्टेड इमेज को हम लोग फिर से सीधा करना चाहते हैं तो एक लेंस का हम बीच में और यूज कर लेंगे जो कि यहाँ पर हमें आवश्यकता नहीं पड़ी हुई है। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, मैग्नीफिकेशन के लिए ये कहते हैं कि मैग्नीफिकेशन बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज गिवन बाय द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आईपीस। ये देखिए फाइनल इमेज ए डैश बी डैश है, इसके कारण आंख पर जितना इमेज बनेगा तो बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आईपीस टू द कह देंगे एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द नेकेड आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल इमेज और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। मतलब ये समझ लीजिए कि फाइनल इमेज जहाँ पर आईपीस से बना है वो फाइनल इमेज के कारण जितना एंगल बनेगा सो, और उसी फाइनल इमेज का पोजीशन पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को, उसके कारण जो इमेज आँख पर बनेगा बिना कोई ऑप्टिकल डिवाइस का, बिना कोई ऑप्टिकल डिवाइस का ये ऑब्जेक्ट ए बी को जहाँ फाइनल इमेज बना है उसी पोजीशन पर रख देगा तो सर्टेनली ये छोटा है तो इमेज हमको छोटा बना देगा। तो बीटा बाई अल्फा के जो मान होते हैं उसी को हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं, राइट। तो बीटा बाई अल्फा का मान निकालने के लिए क्या करते हैं ये भी समझ लीजिए, और ये भी जो भी लाइट हम लोग पढ़ते हैं ध्यान रखिएगा, जो भी लाइट 11, 12 हम लोग पढ़ते हैं वो किस रे के लिए कहते हैं, पारा एक्सियल रे के लिए। पारा एक्सियल रे कहने का मतलब ये हम लोग कहते हैं कि रे दैट इज मूविंग नियर टू द ऑप्टिकल एक्सिस, दूर 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 और दूर, अगर यहाँ से लाइट रे जा रहा है, यहाँ से लाइट रे और यहाँ से जाएगा दूर से, मतलब एंड टू एंड, तो उसको मार्जिनल बोलते हैं, और एक्सिस पैरा एक्सियल के पास से लाइट रे जा रहा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं ये पैरा एक्सियल रे। तो पैरा एक्सियल के लिए हम लोग इसको पढ़ाई करते हैं, और थीन लेंस के लिए पढ़ाई करते हैं, थिक लेंस में थोड़ा शिफ्टिंग हो जाती है तो हम लोग थीन लेंस और पैरा एक्सियल रे के लिए पढ़ाई करते हैं, ठीक है। जब पढ़ाई ये पैरा एक्सियल के लिए जब हम लोग लेते हैं तो उस केस में ये मान के चलते हैं हम लोग कि अल्फ़ा एंगल है वो टैन अल्फ़ा के बराबर होगा, बीटा एंगल जो होगा वो टैन बीटा के बराबर होगा। तो हम लोग इस केस में क्या लेने वाले हैं सो समझिएगा, अल्फ़ा टैन अल्फ़ा के बराबर और बीटा टैन बीटा के बराबर। तो टैन बीटा का मान डायग्राम से देख लीजिए, तो टैन बीटा का मान डायग्राम से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग ये मार्किंग कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ से टैन बीटा का मान देखेंगे तो ये हमारे पास डायग्राम
डॉटिंग, ये देखिए मेरे पास बन गया है ना। तो टैन बीटा का मान क्या लिखेंगे, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई ए डबल डैश और ई, यहाँ तक आ गया, दिस डिवाइडेड बाई दिस। अगर वही टैन अल्फा का मान निकाल देंगे तो ये वाला हमारे पास क्या है, ए बी, ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं ए बी, देख रहे हैं ना ए बी, और यहाँ से वैल्यू यही वाला ले रहे हैं, कौन सा ए ई लीजिए या ए डैश ए डबल डैश ई लीजिए, दोनों बात बराबर है। तो यहाँ से हम लिखे हुए हैं टेन अल्फा इक्वल टू ए बी बाई ए ई, या यू कहेंगे ए डबल डैश ई कहिए या ए ई कहिए, दोनों चीज़ बराबर है। आगे हम लेने जा रहे हैं क्योंकि यहीं पर ये देखिएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, और इसी पोजिशन पर हम इस ऑब्जेक्ट को रख देंगे। इस ऑब्जेक्ट का रेंज जितना इमेज बनेगा उसको हम लोग अल्फ़ा कहते हैं, और फाइनल इमेज से जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बीटा कहते हैं, और बीटा बटे अल्फा के जो मान होता है वही मैग्नीफिकेशन होता है। फटाफट ये देखिए, ये नोट से आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कह देंगे रे डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हियर ए बी क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, देखते चलिए ए बी क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एफ जीरो क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, यू जीरो क्या है, पोजिशन एट विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को जिधर हम रखते हैं उधर निगेटिव साइन लेते हैं, आप लोग सब जानते हैं ऑब्जेक्ट को जिधर रखते हैं उधर निगेटिव साइन लेते हैं, वी जीरो पोजिशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, अगर दूसरे साइड में बनेगा तो वी का मान हम लोग निगेटिव ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे ना। यहाँ से देखिए ए डबल डैश बी डबल डैश, तो ए डबल डैश बी डबल डैश कहाँ पर है, यहाँ ए बी लिए हैं, यहाँ पर हमारा ए डबल डैश बी डबल डैश, तो इधर वाला निगेटिव तो इधर वाला हम लोग क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऊपर वाला प्लस तो नीचे वाला क्या ले लेंगे माइनस, यही कॉन्सेप्ट हम लोग ले करके चलते हैं। तो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज इज फॉर्म्ड बाई द ऑब्जेक्टिव, यहाँ एफ ई क्या है, फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस, यू ई क्या है, पोजिशन ऑफ द ए डैश बी डैश ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई पीस। ध्यान रखिएगा जो ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बनता है वो इमेज आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करने लगता है, इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट का देख रहे हैं ना ऑब्जेक्टिव की तरह काम किया, किसके लिए आई पीस के लिए, इसका पोजिशन हम लोग क्या ले लिया है यू ई, वी ई क्या लिया, वी ई को पोजिशन ऑफ द फाइनल इमेज फ्रॉम द आई पीस, और ये फाइनल इमेज का पोजिशन इन्फिनिटी पे बनाते हैं कि एल डी डी वी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाते हैं जो कि 25 सेंटीमीटर होता है, ये डिपेंड करता है। तो वी इक्वल टू डी लिखे हुए, इट मे बी लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब यहाँ से मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप के बारे में बात करेंगे, तो ये देखिए अभी तुरंत फॉर्मूला बने, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप नथिंग इट इज द रेशियो ऑफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट द आई पीस दैट इज बीटा टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई अल्फा व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और फाइनल पोजीशन ऑफ द इमेज। अभी देखिए मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, और बीटा बाई अल्फा जो हम लोग लेते हैं फॉर द पैराएक्सियल रेंज के लिए और थिन लेंस के लिए टैन बीटा के बराबर टैन अल्फा के बराबर, टैन बीटा और टैन अल्फा ऊपर में हम ज्योमेट्रिकली बता रखे थे आपको। तो यहाँ पर बताइए कि मैग्नीफिकेशन इक्वल टू टैन बीटा बाई टैन अल्फा जैसे ही लेंगे तो टैन बीटा का मान यहाँ देखिए निकाले हुए हैं जो हम ऊपर में अभी दिखा चुके थे, टैन अल्फा के मान भी ए बी बाई ए ई है, और ए डबल डैश ई और ए ई दोनों बराबर था अभी हम ज्योमेट्री में ये चीज़ को दिखाए हुए थे। तो बताइए तो टैन बीटा का मान रख दिया ए डबल डैश बी और ए डबल डैश ई, ए डबल डैश ई और ए बी बाई ए, ये दोनों हम लोग को कटने वाला है, ये दोनों को काट दिए तो वैल्यू कितना है ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी, मतलब फाइनल इमेज का लंबाई कितना होगा और इनिशियल ऑब्जेक्ट हमने कितना बड़ा लिया था। मैग्नीफिकेशन यही ना है भाई, अगर इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है एक मीटर का और पाँच मीटर इमेज बन जाएगा तो कई गुना मैग्नीफिकेशन हुआ, पाँच गुना मैग्नीफिकेशन हुआ, तो निकालेंगे कैसे पाँच मीटर बटे एक मीटर, अगर दो मीटर का ये ले लिए हुए हैं और दस मीटर लंबा हमको इमेज मिलेगा तो कितना मैग्नीफिकेशन हुआ, दस बटे दो कर देंगे, सीधा सीधी बात यह है। तो हमारे पास यही तो आया फिर फाइनली कैलकुलेशन करने के बाद, फाइनल लेंथ ऑफ द फाइनल इमेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, वी हैव गॉट इट, ये चीज। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया हुआ है, बीच में देखिएगा कि ये फाइनल इमेज आ गया और ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में एक जो इमेज बना था, बीच में एक इमेज बना था ए डैश बी डैश, यहाँ से गायब हो गया, तो हम लोगों ने यहाँ पर अरेंजमेंट किया जस्ट दिखाने के लिए, ए डैश बी डैश दिया और ए डैश बी डैश यहाँ ले लिया। तो हुआ क्या इसमें अरेंजमेंट, ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए बी में हम लोगों ने दिया क्या, ए डबल डैश बी डबल डैश में ए डैश बी डैश दिया जो बीच में इमेज बना हुआ था ना, ऑब्जेक्टिव से जो इमेज बना पहला वाला वो इमेज आईपीएस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा जिसका ए डैश बी डैश मान था। तो अब आप लोग ये देख लीजिए कि ये वाला एक और ये वाला दो, दो टर्म हम लोग को मिल गया है, तो आप ये कहिएगा ए डबल डैश ए डैश बी डैश बाई ए बी, मतलब पहला मैग्नीफिकेशन जो पहला लेंस से हुआ ए डैश
बी डैश बाई ए बी, और दूसरा से मैग्निफिकेशन हुआ वो ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश। तो इस चीज़ को अगर हम आपको थोड़ा सा डायग्राम से दिखाते हैं फोटो बना करके, तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि हम लोगों ने क्या कर दिया है। ये देखिए, तुरंत आपको 30 सेकंड में इमेज को बना दीजिए। दिस इज़ योर फोकस, दिस इज़ योर फोकस, और ये हमने ऑब्जेक्ट लिया, ये हमने इमेज को बना दिया। ये देखिए, दिस इज़ व्हाट द डायग्राम, और ये यहाँ से हमारे पास इमेज को बना दीजिए। ये दिस इज़ द डायग्राम, ये आपके पास इमेज बन गया। सी, हमारे पास ये इमेज का डायग्राम बना दीजिए, बना दीजिए जैसे बनाइए, दैट इज़ नॉट द इशू, बिग इशू होने वाला है। ये देखिए 30 सेकंड में आपके पास बन जाएगा। ये वाला ए है, बी है, ये वाला ए डैश बी डैश है, और ए डबल डैश है, और ये आपका बी डबल डैश है। ये एंगल हमारे पास बीटा बनेगा, और इसी पॉइंट पर अगर हम लोगों ने एक ले लिए हुए थे कि भाई इसी पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट के बराबर हम डिस्टेंस ले लेंगे, जो एंगल ये बनाएगा, ये हम लोग को अल्फ़ा दिया हुआ था, और ये मान हमारे पास FE था, और ये वाला वैल्यू ध्यान रखिए, दिस इज़ द डायग्राम। आप बहुत फास्ट खींच सकते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फोकस के बाहर में रखिए, ये फोकस के बाहर बनेगा, और इस तरह से हम यहाँ पर इसको एडजस्ट करते हैं लेंस की दूरी को, कि जो इमेज बनेगा पहला वाला आईपीस के फोकस के अंदर चला जाए, और कोई भी फोकस के अंदर अगर ऑब्जेक्ट गया तो उसका इमेज इरेक्ट वर्चुअल मैग्नीफाइड बनता है, और सेम डायरेक्शन में बना था। तो ये ए डैश बी डैश का फाइनल इमेज ये हम लोग को बन गया था। तो अब हम लोग जानते हैं कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है। हम लोग सब जानते हैं मैग्नीफिकेशन इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज बाय साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये वाला प्लस, तो ये वाला हम लोग को माइनस। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे दे दिया, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज बाय डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये पहला वाला मैग्नीफिकेशन हुआ ऑब्जेक्ट के कारण। और आई पीस के कारण अगर हम लोग देखेंगे, तो आई पीस के कारण हम लोग क्या देखेंगे, ये देखिएगा, आई पीस के कारण देखेंगे तो दोनों नीचे की ओर है, दोनों नीचे की ओर है, और ये वाला भी एक ही साइड में है। तो हम लोगों ने क्या लिखेंगे, फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश, दोनों हम लोगों क्या है, निगेटिव। दिस इज इक्वल टू, हमारे पास ये वाला वैल्यू आ गया, देखिए तो वी ई निगेटिव बाई यू ई निगेटिव, यहाँ से डिस्टेंस हमारे पास ये वाला है, और ये वाला डिस्टेंस वी ई है। देखिए लेंस के तुलना में दोनों का दोनों एक ही साइड में है, तो दोनों का निगेटिव दीजिए, इसको भी दोनों नीचे की ओर है दोनों। तो जब कभी भी वर्चुअल इमेज बनता है तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो जाता है, और रियल इमेज बनता है तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर निगेटिव आ रहा है, आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई लीजिएगा। यहाँ पर यह निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, मतलब रियल इमेज बनेगा तो मैग्नीफिकेशन निगेटिव शो करेगा, और वर्चुअल इमेज बनेगा तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव शो करेगा। यही चीज़ को हम लोगों ने यहाँ कैलकुलेशन करके दिखाए हुए थे। तो आप यहाँ देखिए मैग्नीफिकेशन ऑफ द किसका निकाल लिए, इसको मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग निकाला, ये मैग्नीफिकेशन ऑफ द आईपीस के लिए निकाला। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ द आईपीस नेगेटिव नेगेटिव गैप कर दिया, तो ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश, एंड दैट इज इक्वल टू, ये भी निगेटिव गैप कर दिया, तो वी ई बाई यू ई। अब वी को हम लोग कह सकते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इमेज आपको कहाँ बनाना चाह रहे हैं, एल डी डी वी पे बनाना चाह रहे हैं कि इन्फिनिटी पे, यही न्यूमेरिकल्स में रहता है। कभी कभी कहता है कि भैया इन्फिनिटी पे इमेज बनाओ, तो वी ई का मान हम लोग कितना ले लेंगे, इन्फिनिटी। कभी भी कहता है कि लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनाओ, तो हम लोग डी ले लेंगे। तो फर्स्ट किस ले रहे हैं कि वेन इमेज इज फॉर्म एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आप लेंस फॉर्मूला लगाइए, तो एक एक करके लेंस फार्मूला लगाइएगा। तो हमारे पास ये देखिए, ये जो वैल्यू है आपके पास, ये जो हम लोग गोल घेर रहे हैं, राइट, ये जो हम लोगों ने राउंड कर रहे हैं, ये आप लोग देखिएगा, ये दो राउंडिंग हमारे पास मिला। फर्स्ट वाला इमेज बना था ए डैश बी डैश बाई ए बी, तो पहला मैग्नीफिकेशन हुआ किससा, ऑब्जेक्टिव से, ए डबल डैश बी डबल डैश बाई ए डैश बी डैश, ये किससे मैग्नीफिकेशन हुआ, आई पीस से। दो लेंस था, दो बार मैग्नीफिकेशन हुआ, और दोनों का प्रोडक्ट, दिस इज योर फार्मूला जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आगे में हम लोग कह देंगे, तो मैग्नीफिकेशन ए डबल डैश बी डबल डैश का मान हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, और ए डैश बी डैश का मान कहाँ से निकालेंगे, तो ए डैश बी डैश का मान ये देखिए अगर लिखे हुए है वी जीरो बाई यू जीरो विथ निगेटिव साइन, एंड एम ई का मान यहाँ से देखिएगा वी ई बाई यू ई, या दैट इज़ डी बाई
यू ई, तो डी बाई यू ई का मान हम लोग कहाँ से निकाल लेंगे, ये देखिएगा डी बाई यू ई का मान हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो डी बाई यू लेंस फार्मूला लगा दीजिए, लेंस फार्मूला किसके लिए लगा रहे हैं, तो लेंस फार्मूला हम इसके लिए लगा रहे हैं, ये देखिए आई पीस के लिए। तो लेंस फार्मूला हम लोग क्या लगाते हैं, वन बाई वी ई माइनस वन बाई यू ई इज इक्वल टू वन बाई एफ ई, यही फार्मूला है। दोनों निगेटिव साइड में, दोनों जिधर हम ऑब्जेक्ट रखे हैं उधर ही इमेज बना हुआ है, तो माइनस वन बाई वी ई माइनस वन बाई माइनस यू ई दिस इज इक्वल टू वन बाई एफ ई, यही तो कहानी हम लोग कहे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर यही कहानी कहे हुए हैं, और यहाँ पर हम लोग रख सकते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर रखना होगा तो वी ई का मान हम लोग माइनस डी रख दीजिए, दिस इज वन बाई यू ई हो गया एंड दिस इज इक्वल टू वन बाई एफ ई हो गया। अगर हम लोग डी से ऑपरेट इस पर कर देते हैं तो माइनस वन प्लस डी बाई यू ई इज इक्वल टू डी बाई एफ ई, एंड डी बाई यू ई को ही हम लोग मैग्नीफिकेशन कहते हैं, दैट इज डी बाई एफ ई। ये देखिए तो यही कहानी तो हम लोगों ने कहा हुआ था, डायरेक्ट निकाल रहे हैं तो यही चीज़ आ रहा है, यही चीज़ हम लोगों ने निकाले हैं डी बाई यू ई को, या वी ई बाई यू ई कहिए या डी बाई यू ई कहिए, डी क्या है आपको, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन है। तो इसका मान कितना आया है, वन प्लस डी बाई एफ ई। तो मैग्नीफिकेशन, ये मैग्नीफिकेशन किसका आया, दिस इज मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस, दिस इज मैग्नीफिकेशन ड्यू टू आई पीस। तो टोटल मैग्नीफिकेशन हम लोग मैग्नीफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द आई पीस डी बाई यू ई का मान निकाल करके ये देखिए रख दिया डी बाई एफ ई। तो टोटल मैग्नीफिकेशन बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप वी कैन राइट लाइक दिस वन, एम इक्वल टू माइनस वी जीरो यू जीरो इंटू वन प्लस डी बाई एफ ई।